लड़की पार्वती शादी के लायक हो जाती है। जो आप माला रटते हो रटे करो राम के नाम की, कौन ही रट दे। न्यू तो मेरा घोषणा क्या मणि हो है 108 की, कौन से मणि हो ये, इसमें 110 भी होने चाहिए, 15 भी हो जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती के 108 वर्षी इस कलम करे, 108 वर्षी इसका क्या उसका जिसकी माला बनाई। जो आप सुमरण करते भगवान का वो माँ पार्वती के शीश है शक्ति के। जब इन 109वीं बार पंडित लोग गए पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में घूमे, पार्वती के लायक वर नहीं मिले, हार के थक के दोबारा वापिस चले जाते हैं। पार्वती कहते हैं न्यू नहीं पाव है, सीधे जाओ कैलाश पर्वत पर मिलेगा मेरा दूल्हा। जाकर बाबा भोलेनाथ का दंडवत प्रणाम किया और बाबा भोलेनाथ बोले भाई देख मेरा 30 साल का भी ऊपर मेरी उम्र हो रही है, वह जवान अवस्था है, वो राजा की लड़की है, पर मैं साधु संत फकर सन्यासी आदमी, मेरे के लिए उसका कोई मेल नहीं। कैसे समझाते हैं बाबा भोलेनाथ उन पंडित जियों को, आइए। कुछ भी पढ़ लो किते भी किसी भी ग्रंथ में उन्होंने लिख रखा है बाबा भोलेनाथ भांग पिया कर, किसी भी ग्रंथ में लिख रखा है। फिर दादा मांगेराम ने क्यों लिखा तो भांग रगड़ के पिया करूं नाटन खातर है कुकरे पांडा छूट जाए तनु का दिया भी कबाब भी हूं मैं तो। कैसे बाबा भोलेनाथ कहते एक बार तुम हाथी को उठाओ बिल्कुल सीधे और कहो अरे भांग रगड़ के पिया Yeah.
Yeah.